हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाना फ्लावर करी और ये बनाएंगे तिलशा फिश हेड से। बहुत ही टेस्टी एक ऑथेंटिक बंगाली रेसिपी है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनते हैं बनाना फ्लावर करी विथ तिलशा फिश हेड। फ्लावर को फर्स्ट में ऐसे क्लीन कर लीजिए। सारे बनाना फ्लावर हमारे क्लीन हो गए थे और अभी इसको एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। तिलशा फिश को जिस ऑयल में मैंने फ्राई किया था उसी सेम ऑयल में अभी ऐड करूंगी तिलशा फिश के हेड, जिसको मैंने नमक एंड हल्दी से कोट कर लिया है। फिश हेड को भी अच्छे से फ्राई कर लूंगी। धीरे धीरे करके डालना धीरे डाय। हो गए थे तभी इसको हल्का सा फ्राई कर देंगे और ऑयल में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जीरा। जीरा के साथ ही साथ ऐड कर देंगे थोड़ी सी बड़ी। सारी चीजों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिश हेड के साथ साथ बड़ी हमारे फ्राई हो गए थे, देख लीजिए। तो अभी ऐड कर देंगे बनाना फ्लावर, जिसको मैंने बस में कट कर लिया था। बनाना फ्लावर को मैंने ऐड कर दिया है। अभी ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट, साथ ही साथ ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। सारी चीजों को भी मिक्स कर दूंगी। अभी इसके अंदर ऐड कर देंगे ग्रीन चिली, जिसको मैंने स्प्लिट कर लिया है, मिक्स कर दूंगी। सारे चीज हमारे मिक्स हो गए हैं, देखिए पानी निकल रहे हैं। तो इस टाइम मैं और थोड़ी सी पानी ऐड कर दूंगी। फर्स्ट में बनाना फ्लावर को बॉईल करके पानी को ड्रेन करने से सब कुछ बाहर चले जाते हैं, जो पौष्टिक गुण होते हैं वो सारी चीज। तो इसलिए ऐसे देख लीजिए पानी निकलना शुरू हो गए है बनाना फ्लावर से। मैंने फर्स्ट में बॉयल नहीं किया क्योंकि बॉयल करने से सब कुछ बाहर चले जाते हैं। बनाना फ्लावर में बहुत ही ज़्यादा परिमाण में आयरन होते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अभी फ्लेम को मीडियम में कर दीजिए और ऐसे चलाते रहिए 3-4 मिनट के लिए। लीजिए 5 मिनट हो गए हैं और हमारे बनाना फ्लावर कुक हो गए हैं। अभी इसको मिक्स कर दीजिए फिश हेड को थोड़ा सा इसके साथ। देख लीजिए पानी पूरा की तरह सूख गए हैं और हमारे बनाना फ्लावर करी विद तिलशा फिश हेड अभी एकदम रेडी है। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं। देख लीजिए रेडी हो गए हैं बनाना फ्लावर करी विद तिलशा फिश हेड। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी ना तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।